वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन को लेकर क्या अपडेट है। यहाँ पर काफी अच्छी गुड न्यूज आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा, जब भी डॉज कॉइन में एक पॉजिटिव मूवमेंट या फिर एलन मस्क के द्वारा कुछ भी यहाँ पे ट्वीट आता है और कुछ भी अच्छी चीजें डॉज को लेकर होती हैं, तो बेबी डॉज कॉइन भी उसके साथ उड़ता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले यहाँ पर डॉज कॉइन को लेकर एलन मस्क ने कुछ ट्वीट ऐसा किया था, तो उस वक्त बेबी डॉज कॉइन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ था मार्केट में। हालांकि उतना बड़ा पंप नहीं कर पाया, लेकिन कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो 100% आने वाले समय में ये चांस बनते हैं कि बेबी डॉज कॉइन जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, डू यू वांट मंथली वर्न, तो आप इस ये जो इन्होंने प्रपोजल चलाया है ना, तो इसको लेकर आप क्या चाहते हो बर्निंग हो। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको बताता भी हूँ क्या मेरे जो थिंकिंग है वो क्या है। पहली बात तो ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप अगर बर्निंग चाहते हो तो आप जो है यस करो, अगर नहीं चाहते हो तो नो करो। तो ऐसा कौन सा बंदा है जो बर्निंग नहीं चाहेगा कि भाई किसी कॉइन की बर्निंग ना हो, क्योंकि बर्निंग होगी, सप्लाई रिड्यूस होगी तो ऑलरेडी उसका प्राइस जो है गेन होगा। अब यही चीज़ें हैं जो मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी। तो जब बर्निंग सब चाहते हैं, सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो आप सीधे सीधे इसकी जो है बर्निंग करो, तो क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की। फिलहाल चलो ठीक है, जो भी इन्होंने किया मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगा। नीचे आप देखोगे तो यस बर्न देम लगभग ये कंप्लीट ही हो चुका है, और नीचे जो इसका है नो वाला, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जो नहीं चाहता कि भाई बर्निंग ना हो। तो भाई यही चीज़ें हैं, अगर आप बर्निंग करना चाहते हो तो सीधा सीधा आप जो है बर्न करो। ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे कम्युनिटी को बोलो भाई आप पोस्ट करो, ये करो, वो करो। तो ऐसी यही चीज़ें बस जो है दिक्कत पैदा करती हैं, जो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव। नेगेटिव यही है कि आपको ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो है बर्निंग अपनी स्टार्ट करो, जो अच्छी चीज़ें हैं। हालांकि बर्निंग काफ़ी ज़्यादा ट्रिलियन क्वांटिटी में हो रही है, लेकिन जो बर्निंग सब लोग चाहते हैं कि भाई क्वार्टरलियन में कुछ बर्निंग देखने को मिले वन ट्रांजैक्शन में, तो वो देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल अच्छी चीज़ें हम ये आपके साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। न्यू फीचर कमिंग, तो न्यू एक फीचर ये ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, ईच स्वैप ऑन बेबी डॉज स्वैप विल एस्टीमेट हाउ मैनी बेबी डॉज विल बी बर्न। तो इनके कहने का मतलब क्या है कि बेबी डॉज स्वैप के ऊपर जो भी स्वैप यहाँ पे आएगा वो स्वैप एस्टीमेट लगाकर बताएगा कि कितने टोकन्स को यहाँ पे बर्न किया जाएगा। तो स्वैप के द्वारा इसकी बर्निंग भी देखने को मिलेगी। इससे पहले यहाँ पे इन्होंने देखो, आपको पता है ना बीएनबी चैन पे ये लिस्ट हुआ है, तो इसका यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कन्फर्म स्वैप, ठीक है, यहाँ पे देखें एक मिनट, यहाँ पे क्या है कि इसको काटते हैं, यहाँ पे 0.1 बीएनबी, तो जितने यहाँ पर टोकन्स को स्वैप किया जाएगा तो ये अलग से एक एस्टीमेट बता देगा कि भाई इससे ये स्वैप जो करेगा इतने कॉइन्स को, तो इतने टोकन्स यहाँ पर जो है बर्न होंगे, जो काफ़ी अच्छी अमेजिंग चीज़ है। और फीस वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं लगती है, कोई भी यहाँ पर स्वैप कर सकता है, और बर्निंग अलग से देखने को मिलेगी स्वैप के द्वारा भी। ये प्राइज है यहाँ पर अभी बेबी डॉज कॉइन का, अगर ज़ीरो की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़ीरो है। आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट दोस्तों धमाल मचाएगा, जब भी एक बुल रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो अपने स्वैप पे ये लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी बर्निंग भी हमें देखने को मिलेगी, जो एक पॉजिटिव साइन है।